सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, और आज हम करने वाले हैं होम टूर। तो अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, और ये छज्जा टाइप का तो सभी के यहाँ बना रहता है मिडिल क्लास फैमिली में। तो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा बोरियत होगा है ना इस ब्लॉग को भी, क्योंकि डिमांड थी होम टूर की, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी पकड़ पकड़ के, क्योंकि ये हमारी छत है, ज़्यादा बड़ा प्लाट नहीं है, 600 स्क्वायर फिट में है ये। वो दो दो चार छतरी हमारी घर की, क्योंकि किराएदार रुकी थी, और ये फूल वगैरह हैं, पर अच्छा है। और मैं वहाँ इसलिए नहीं जा रहा, वहाँ लड़कियाँ रहती हैं। आपको शर्म आती है? और मुझे अच्छा नहीं लगता बनाना, इसलिए। छत में तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, और यहाँ पे वैसे भी दो लड़कियाँ वहाँ रहती हैं, और एक फैमिली इस साइड रहती है, और एक और इसके नीचे रहती है, और उसके नीचे हम रहते हैं, मतलब ग्राउंड पे। और ये गैलरी नीचे भी है ऐसी सेम, और वो वाला जो घर है, मतलब ये वाला हुआ करता था रवि का, और वो सबसे नीचे रहा करता था वहाँ पे। और मेरा घर की डिस्टेंस ये है। खूब मस्ती करा करते थे इस गली में, खूब हाथ पैर भी तोड़े हम लोगों ने, और खूब पिटे भी। वो सब बाद में करेंगे बातें। वो किराए से रहते हैं, तो उनके घर में ताला ही लगा रहता है। इधर भी ताला लगा है, इधर भी ताला लगा है, और हमारे घर में भी लगा ही रहता है, क्योंकि मम्मी करती हैं जॉब, मम्मी का क्लिनिक भी है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, और मम्मी का भी कॉल आया, तो मुझे क्लिनिक भी जाना पड़ेगा, उन्हें लेके कहीं जाना है। तो हाँ, तो मैं जाने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। अगर आप लोग भी ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजियो जैसा वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो आपको कैश करो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि कैश करो है क्या? कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जो हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स दे रहा है। मालामाल हो जाऊंगा फिर मैं तो भाई, लेकिन मालामाल कैसे? अरे यार, कैश करो से कमाया हुआ सारा कैश रियल कैश है। इसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, या अमेज़न गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी सी बात है। अब मेरी एक बात मानो, कैश करो से शॉपिंग करने को न्यू ईयर रिजोल्यूशन बना लो। ये देखो 2020 में मैंने कितना पैसा कमाया। अब आप लोग पूछोगे कि कैश करो कैसे यूज़ करना है। सिंपल, दो स्टेप है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो, फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, जैसे मैं अमेज़न सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ऑरेंज बटन पर टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो, वैसे ही आपको शॉपिंग करना है, और प्रोडक्ट कार्ड में ऐड करना है, और पेमेंट करना है, बस। उसके बाद सीधा कैश करो में जाके माय अर्निंग सेक्शन में आप जाके देख सकते हो कैशबैक आ चुका होगा। जब आपका कैशबैक कन्फर्म हो जाए, तो उसे आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो आप अमेजोन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो से आप 1500 से प्लस वेबसाइट पे शॉपिंग कर सकते हो यार। और अभी डिस्क्रिप्शन की दी गई लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो, और कम से कम ट्रांजेक्शन करके देखो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर ₹25 एक्स्ट्रा भी मिलेगा। पैसा ही पैसा हो गया। हाँ, तो अब मैं घर वापस आ गया हूँ, तो अब यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी ताला ही लगा रहता है, और ये अंधेरा पड़ा रहता है, ये छोटी सी खिड़की से आप देख सकते हो। और बस, तो ये है हमारे घर की एंट्रेंस, और यही छोटी सी गली है। यहाँ पे एक ना एक कबूतर मंडराता रहता है, ये ठेले वाले देख सकते हैं आप, यो यहीं पो यहीं करते रहते हैं घर में। ये टंकी और ये बाथरूम है, देखने की जगह नहीं है। ये है हमारा घर, यहाँ से वो बाथरूम है, और यही दहेज में मिलने वाली मम्मी पापा को अलमारी, जो सालों साल चलाते हैं ठोक पीट के, और छोटू सा फ्रिज हमारा, बस यही सब है। वो गैलरी है जहाँ पे कबाड़ा ठूस देते हैं अपने घर में, कांच जो कि जरूरी है खुद को देखना। ये हमारा छत, ये मतलब टूटा नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचो ये है छज्जा जहाँ से उजाला आया करता था। उजाला तो नहीं, धूल ज्यादा आ रही थी, तो ये बंदी हो गया पूरा धूल आके। और ये सामान रखे इडली डोसा के बराबर बराबर, डब्बा डब्बी जैसे छोटा छोटा सामान भर देते हैं, बर्तन भांडे हमारे भगवान जी, यहाँ पे हमारी पूजा होती है भाई, थोड़ा बहुत सामान सेम। किचन थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, संडे आज साफ सफाई होगी इसकी, मम्मी कहीं छत पे कपड़े धोने। तो अब चलते हैं आगे की ओर, पहले अंदर। तो ये है हमारी अलमारी जो मम्मी पहले यूज़ करा करती थी, पर अब हाँ तुम बोल लो पहले, हमारे ऐसे ही ये लोग पहले बोलते हैं फिर हम बाद में बोलते हैं, तो इसमें काम करा करती थी मम्मी। और ये हमारी एक और अलमारी, ये पीछे मेरी कपड़े हैं, और ये पापा का है, मतलब सेल अलग अलग होता है, यहाँ पापा, ये हाँ मैं कपड़े टांगता हूँ, और यहाँ पापा टांगते हैं। ये मम्मी की अलमारी है, देख सकते हो आप लोग, और ये सामान पड़ा रहता है ऊपर।
ये है मेकअप घाट जहाँ पे हम काले से गोरे होते हैं, है ना। ये मम्मी का बेड है, ये अलमारी है जो कि इसे कपड़े ढक के रखते हैं हमारे यहाँ ऐसे, और ये कच्चे बनियान एंड ऑल, ये सामान है वही नया पुराना इन्वर्टर। क्या कह रहा है तो क्या कह रहा है रिचार्ज कर रहा हूँ कर और ये है मेरा रूम और पापा का रूम। ये हॉल है वैसे, यहाँ पे मैं पढ़ा रहता हूँ, मतलब पापा भी सोते हैं और मैं भी बाजू में कोने में जगह मिल जाती है, नहीं तो कहीं भी चटाई बिछा के मेरे घर वाले सुला देते हैं, वहाँ पे भी सोता हूँ कभी कभी कभी। और ये अपनी टीवी, बस हो गया हम टूर, और ये कबाड़ खाना मचा ही रहता है हमारे घर में ऐसे ही, तो ये हमारा हो गया होम टूर। और ये बाहर है और यहाँ से भी बाहर है, खत्म। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं और ये है हमारी पापा की गाड़ी और वो मेरी है छम्मो की, और ये है घर हमारा ऊपर तक। यहाँ पे रहा करता था जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, अब यहाँ पे बकरा बकरियों का राज है। चलो चलते हैं। तो वो जो दुकान दिख रही है पीली वाली, वहाँ से हम राशन लिया करते हैं, और ये रही हमारी धन्नो जिससे हम जाने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है मम्मी का क्लिनिक, यहाँ पे मम्मी काम करती है, और एक और क्लिनिक है वहाँ, अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ का भी शूट करके बताऊँगा आपको। मेरी मम्मी हाउस वाइफ नहीं है, मम्मी ने मुझे इसी काम से बुलाया था कि उन्हें दूसरे क्लिनिक लेके आना था, और ये रहा पीछे वो क्लिनिक। अपनी मम्मी ओके तो ये था हमारा होम टूर। ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं है मेरा, पहले हम लोग रेंट से रहा करते थे मेरे मम्मी पापा, और 2002 की बात है जो हम इस घर में आए थे अभी, और बस 18-19 साल हुए हैं। मस्त धीरे धीरे करके ऊपर का बनाया घर वालों ने, और ऐसी करके बनाया। पहले जहाँ रहते थे वहाँ एक ही रूम हुआ करता था, मेरे मम्मी पापा के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ होता था, खाना बनाने के लिए बस जो सामान होता है थोड़ा बहुत वो हुआ करता था, और एक ही थाली हुआ करती थी, और बिस्तर रहा करता था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये थी हमारे मम्मी पापा की मेहनत जो मैंने आपको दिखाई। ज़्यादा लोग तो रहते नहीं हैं, तो मेरी मम्मी भी क्लिनिक पे काम करती है जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पापा भी शॉप पे काम करते हैं, तो बस पढ़ाई करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये होम टूर अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो, और मस्त मस्त कमेंट करना मेरा घर देख के कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक कर देना। कैश कैश करो ऑल इन वन ऐप है जो आपको शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कैश करो को डाउनलोड करो अभी जाके। ये और कुछ, और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।